वो आज ही किसी ने मैसेज किया था और मैं कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया कि मैं किसी के मैले कफन को क्यों देखूं, मेरी अपनी कब्र के मामले बड़े सख्त हैं। इसलिए अपने आप को देखिए, अपने अंदर उतरिए, किसी की तरफ उंगली करके दूसरे की तरफ निशान लगाने वाला ये भूल जाता है कि बाकी सारी उंगलियों के इशारे उसके अपनी तरफ होते हैं। तो किसी की तरफ उंगली मत उठाइए, किसी के ऐब जोई मत कीजिए, किसी के ऐबों से पर्दा ना उठाइए। इसका सिला क्या मिलेगा? अल्लाह कयामत के दिन पर्दा जारी फरमाएगा, और उस दिन पर्दा रह गया तो फिर आखिरत बेहतर हो जाएगी। हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का माल, उसकी इज्जत और उसका खून हराम है। उसे हक नहीं पहुंचता उसका खून बहाए, उसे हक नहीं पहुंचता उसका माल चुरा ले या माल गसब कर ले, उसकी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल करे, और ना ही किसी की आबरू और इज्जत पर कोई हमला आवर हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर ना जुल्म करता है और ना किसी को उस पर जुल्म करने देता है, उसको तन्हा भी नहीं छोड़ता, लावारस भी नहीं छोड़ता। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरा करने में लग जाता है, रब रब हो के उसकी जरूरतें पूरी करता है, और जो मुसलमान की किसी मुश्किल को, किसी मुसीबत को दूर करता है, उस पर आने वाली किसी मुसीबत को हटाता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को दूर फरमाएगा। और जो किसी मोमिन का, मुसलमान का पर्दा रखता है, पर्दादारी करता है, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डाल लेगा। वो किसी का ऐब देखो तो उस पर पर्दादारी करो, उसको इफ्शा करने की कोशिश करके, अपने लोगों से दाद लेने की कोशिश ना करो कि इसको बड़े लोगों के राजों का पता है। अगर किसी का राज मालूम हो तो पर्दा डाल दो, पर्दा डालने वाला अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है।